यूं तो भारत का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से भरा हुआ है, जो जीवनदायक होने के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का सबसे रहस्यमय और डरावना जंगल कौन सा है, जो दिन में सुंदर और रात को जानलेवा हो जाता है? इस जंगल को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल टाइगर का घर भी है। तो आइए जानते हैं सुंदरवन से जुड़ी उस डरावनी दास्तान के बारे में, जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्यों डरावना है सुंदरवन? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित सुंदरवन 54 छोटे बड़े द्वीपों का एक समूह है, जिसकी जमीन पर बंगाल टाइगर बेखौफ होकर घूमते हैं। सुंदरवन सिर्फ जमीन पर स्थित जंगल नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा पानी और दलदल से भरा हुआ है, और उसके बीच झाड़ियों जैसे पेड़ पौधे जंगल को डरावना रूप देने का काम करते हैं। सुंदरवन को समुद्री डेल्टा का सबसे बड़ा और सदाबहार वन माना जाता है, जहां खारे पानी से भरे दलदल किसी भी इंसान या जीव को पल भर में निगल सकते हैं। इस दलदल के बीच बड़ी छोटी और ऊंची नीची सकरी खाड़ी मौजूद है, जिसके बीच से छोटी नाव होकर गुजरती है, और जंगल में घूमने वाले पर्यटक सुंदरवन को नजदीक से देख पाते हैं। लेकिन इस खारे पानी के दलदल में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियां रहती हैं, जो अगर किसी इंसान पर हमला कर दे तो उसकी मौत तय है। वहीं सुंदरवन में निवास करने वाले बंगाल टाइगर लगातार इंसानों पर हमला करने के लिए मजबूर है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से बाघों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, और जमीन की कमी होने की वजह से उन्हें शिकार ढूंढने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो नाविक या पर्यटक सुंदरवन में जाते हैं, बाघ उन्हें अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश करता है, और इस वजह से बीते कुछ सालों में सुंदरवन में बाघ के हमले कई गुना तक बढ़ गए हैं। सुंदरवन के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मधुमक्खी अपना छत्ता बनाकर रखती है, जहां से शहद बटोरने के लिए लोगों को जंगल की गहराई में जाना पड़ता है, और इस वजह से उन्हें बाघ का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में बाघ के हमले से बचने के लिए शहद निकालने वाले लोगों को वन विभाग के अधिकारी मुखौटा देते हैं, जिससे लोग अपने सिर के पिछले हिस्से में पहन लेते हैं। यह माना जाता है कि बाघ इंसान पर पीछे से हमला करता है, ऐसे में अगर सिर के पीछे मुखौटा पहन लिया जाएगा तो इंसान का चेहरा देखकर बाघ हमला करने से परहेज करेगा। यह कुल मिलाकर बाघ को मूर्ख बनाने का एक तरीका होता है। लेकिन अगर बाघ भूखा है तो वह पीछे या आगे कहीं से भी इंसान पर हमला कर सकता है। सुंदरवन के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदाय में ज्यादातर महिलाएं विधवा हैं, जिनके पति बाघ या मगरमच्छ के हमले की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये महिलाएं अपने बच्चों को अकेले पालती हैं। इन लोगों का कहना है कि सुंदरवन में सिर्फ बाघ, मगरमच्छ, जहरीले सांप और दलदल आदि का खतरा ही नहीं है, बल्कि इस जंगल से अक्सर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सुंदरवन में शैतानी शक्तियों का राज है, जो लोगों को भ्रमित करने और उन्हें मौत के घाट उतारने का काम करती हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह चीखने चिल्लाने की आवाज उन लोगों की होती है, जिनके ऊपर बाघ या कोई जंगली जानवर अचानक हमला कर देता है। इन हमलों से बचने के लिए सुंदरवन में सेना के जवानों की नियुक्ति की गई है, जबकि वन विभाग की तरफ से भी स्थानीय लोगों को बाघ पर निगरानी रखने के लिए नौकरी पर रखा जाता है। लेकिन इतने घने जंगल में बाघ पर नजर रखना और अपनी जान बचाना एक चुनौती भरा काम होता है, जबकि इस बीच पर्यटक भी सुंदरवन में घूमने के लिए आते रहते हैं। सुंदरवन के कई हिस्सों में नाविकों और पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उन हिस्सों में जानवरों के हमले के चांस ज्यादा होते हैं, और पीड़ित को रेस्क्यू करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सुंदरवन के कुछ हिस्सों में रात के समय आग जलते हुए देखी जा सकती है, लेकिन यह आग जंगल को जलाने के मकसद से नहीं लगाई जाती है। दरअसल जो लोग जंगल की निगरानी करते हैं या फिर देर रात तक जंगल में रह जाते हैं, वह लोग अपनी सुरक्षा और बाघ को खुद से दूर रखने के लिए आग जलाते हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों का मानना है कि यह आग उनके लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह काम करती है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग अपने घरों के बाहर आग जलाते हैं। सुंदरवन में न जाने कितने ही लोगों के गायब होने की खबरें भी सामने आई हैं, जबकि सालाना कई लोगों की आधी कटी या हमले का शिकार हुई लाशों को जंगल से बाहर निकाला जाता है। कहते हैं कि सुंदरवन के दलदल में इंसान और जानवरों की इतनी लाशें मौजूद हैं कि उन्हें एक बार में बाहर नहीं निकाला जा सकता है। वहीं इन शवों को मगरमच्छ के भोजन के तौर पर भी छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि अगर कोई अनजान इंसान सुंदरवन में चला जाए तो उसका सुरक्षित जीवित बाहर निकल आना किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। यह जंगल आम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर उन्हें भ्रमित करके हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।